आज भी केमिस्ट्री वाला एग्ज़ाम में हम तैयार हो रहे हैं। ठीक है सर, पापा ही लेके जाएंगे हमको गाड़ी से, बाइक से, कला की धूप बहुत ज़्यादा है ना। तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी पे पापा के साथ बैठे हैं और चलने आ गए हैं। और ये गोल्ड जिम के पास इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था कि हम क्या बताएं आप लोगों को। यहाँ से निकलना बहुत लेट था और हमको बहुत लेट भी हो रहा था। खैर, अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और स्पीड से आगे बढ़े जा रहे हैं अपने एलएस कॉलेज की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे अपने मंजिल पर। और आप लोग देख सकते हैं हम एलएस कॉलेज एग्ज़ाम देने आ गए हैं और अब यहाँ पे एलएस कॉलेज का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है मेरा। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, गाड़ी से बुलाते हैं पापा जी को, निकलेंगे। हाँ, एग्जाम तो सही में अच्छा गया है। हाँ, क्वेश्चन में भी ठीक है था क्या? वो लिखना था कि भाई तो अपना फेवरेट स्पोर्ट, हम तो बता दिए भाई मिक्स मार्शल आर्ट अच्छा चीज है, सीखना चाहिए इंसान को मारपीट। हाँ, तो यही वो भवन है जिसमें हम लोग एल एस कॉलेज में एग्जाम दिए हैं। खैर, अभी हम लोग अपने दोस्त के साथ हैं, तो अभी जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, पापा को फ़ोन करेंगे, आएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। एग्ज़ाम तो दिए दिए हैं, ख़त्म है एग्ज़ाम, है ना? ठीक है, सब जय है इंडिया में, भारत में कुछ मिले ना मिले जैम आपको जरूर मिल जाएगा। जैम देख सकते हैं, आपको देख रहे हैं ना जैम। अभी मेरा भाई घूम रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, लेकिन फिर भी घूम रहा है। जैम इतना ज़्यादा है, हम पैदल अपने आप निकल गए हैं। यहाँ पे गर्मी इतना ज़्यादा है, क्या बताएं हम। और चुके रहा है पापा, बोले कि आ रहे हैं, पर पता नहीं अभी तक आए कहाँ नहीं है। तो फिर भी पहनिए लिए हम जो भी है, दस इतना है कि क्या करें। दस में हम यहाँ पे आ गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ रुके हैं बीएससी के पास। पापा को फ़ोन करके बोले हैं कि आने के लिए, पापा बोले कि आएंगे। ठीक है, और ठीक है, ये सब बोले हैं कि आ रहे हैं 10 मिनट में, तो हम भी बोले ठीक है आइए जल्दी, यहीं पर रुके। मैं हालाँकि आना तो तुमको एल एस कॉलेज पे था, 10 बार फ़ोन करेंगे तो 10 बार में एक बार उठाएंगे नहीं, बात करते हैं। देख सकते हैं दूध कितना ज़्यादा है, बोले क्या है। ठीक है, रुकना पड़ेगा यहाँ पर। देख सकते हैं मंजरात यहाँ पे काफ़ी ख़राब है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। पापा जी बोले हैं कि आ रहे हैं, पर गॉड का ब्लेसिंग्स है, हम यहाँ पे 6 में ही खड़ा हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। गर्मी तो यहाँ से भी लग रहा है, खैर कोई नहीं, ठीक है। और बाल भी हम धोए थे कल, तेल लगाए थे, लगाए नहीं थे। मंजरात देख सकते हैं यहाँ पे, सब लोग गर्मी की वजह से झुलस झुलस के जा रहे हैं। और हम यहाँ पे हैं, ये दुकान के सामने हैं खड़ा, और बोले हैं आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। देखा जाए तो बिल्डिंग विल्डिंग है सामने। देखिए अभी हम थोड़ा सा यहीं पर अंदर में आ गए थे, पता नहीं कौन सा जगह है, शायद कोई दुकान वकान है किसी का गैरेज है, तो आ गए यहाँ से आराम कर रहे हैं थोड़ा सा, और आएंगे तो जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। देख सकते हैं जगह कैसा है, जगह देखिए। तो आखिरकार 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद पापा आ गए हैं और हम गाड़ी पर बैठ के अब जा रहे हैं पापा के साथ नंदी बहन को लाने। अभी अभी हम लोग घर पे नहीं जा रहे हैं लेने, हम लोग प्रभात तारा में आ गए हैं। प्रभात तारा है ये स्कूल, देख सकते हैं प्रभात तारा में आ गए हैं। यहीं पे नंदी को लेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है, स्विमिंग पूल है कि देखने वाला नज़ारा, जगह अच्छा है काफ़ी सारा, अच्छा मतलब पेड़ वेड़ अच्छा लगाए हुए प्रभात तारा स्कूल में। ये प्रभात तारा मुजफ्फरपुर में ही है और देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कूल है, काफ़ी देख रहे हैं कितना अच्छा तो सब लोग मतलब पोजीशन सिचुएशन है। और ये मेरी बहन आ गई है कूदते फूलते हुए, और सब लोग आ गए। जाना है सब घर जाएंगे, पता है ना तू आए थे फालते हुए इतना गर्मी में। और आखिरकार मैं हम अपनी बहन के साथ गाड़ी पे बैठ गए और हम लोग चलने के लिए एकदम तैयार हैं फटाक से। अब हम लोग चलेंगे और घर की तरफ बढ़ेंगे और घर पे पहुँचेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तीनों आदमी का खून सूख रहा है, पापा का भी, मेरा भी और मेरी छोटी बहन का भी। तुम भी कबड्डी खेली है क्या? नहीं। एक बच्चा बोला था कि हाँ कबड्डी में हम फर्स्ट प्राइज जीते। और अब
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आने के बावजूद मस्जिद के पास भी वहाँ पे भी हम लोग को जाम ही मिला है, लेकिन गॉड का ब्लेसिंग्स है। अभी भी हम लोग स्पीड में चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि घर जल्दी पहुँचेंगे और गर्मी से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। मेरा तो नाक भी जाम हो गया है डस्ट की वजह से। यार देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है और जाम कितना ज़्यादा है, चारों तरफ गाड़ी ही गाड़ी लगा हुए हैं। और नंदी के हाथ में आज के लिए लगा किले दिखा दो, नंदी किले दिखा दो, हमारा कुछ चल रहा है संकट वाला, देखिए किले का नाक में। खैर अब तो एग्जाम देके आ गए हैं तो ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक्स, लव यू।